भी बहुत थोड़ी देर के लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर कुछ लोग, मेरे जैसी जो महिलाएं काम कर रही हैं अपना घर बार सब छोड़ के, उनका कुछ काम नहीं है, बस यही काम है कि औरतों किसी को टारगेट कर नहीं सकते, लड़कियों को, लेडीज़ को, सबको टारगेट करके और अपने वाह वाही लूटने का काम करते हैं। क्या इस देश में ऐसी कोई कमी उन्हें कहीं नज़र नहीं आती जो कि वो कर सकते हैं इस काम को, मीडिया का काम कर रहे हैं तो उन कमियों को उजागर करके उनका देशभर के लोगों को उन कमियों के बारे में बता सकते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, मार पिटाई जो है इस बहुजन समाज की जगह जगह लग रही है, क्या उनकी कवरेज नहीं ले सकती? औरतों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं और लड़कियों की पिटाई हो रही है खेतों में, कहीं पे भी लड़कियां पाई जाती हैं, जिंदा लड़कियों में आग लगा दिया जाता है, क्या उनका कवरेज नहीं ले सकते? क्या इस देश में जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है और उसमें उन्हें कोई कमी नज़र नहीं आती है? भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी उनका विरोध हो रहा है, तो क्या तब उन्हें वहाँ कोई कमी नज़र नहीं आती है? लेकिन अपने समाज की लड़कियाँ और जो भी महिलाएं बाहर निकलती हैं उनमें उन्हें बहुत कमियाँ नज़र आती हैं। उन्हें लगता है कि हम शायद घर छोड़ के इसलिए बाहर आए हैं, हमें शायद घर में पूछने वाला कोई नहीं है। अरे उन माँ बाप से या उन भाइयों से या उनके पतियों से ये पूछिए, जब उनके घर की महिलाएं घर से बाहर जाती हैं तो उनके दिल पे कितना कष्ट होता है। हिम्मत है तो अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को बाहर निकाल के दिखाओ। अपनी माँ से कहो कि जाओ तुम मेरी अर्चना गौतम की तरह जाकर काम करो। अपनी बहन से कहो, अपनी बेटी से कहो। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए जब अपने घर की कोई इज्जत को बाहर भेजता है, तो बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इसके लिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ, जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं पैसे के लालच में या अपनी TRP या अपने दर्शकों को बढ़ाने के चक्कर में, अपने लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, कृपया करके लड़कियों के नाम के साथ में जोड़ के कुछ भी मत लिखें, ना कुछ दिखाएं, या जो वो बोलती हैं उसे तरोड़ मरोड़ कर आगे पीछे करके ना दिखाएं। मेरे लिए इस समाज में रहने वाला एक छोटा बच्चा भी जो घर छोड़कर एक नीला झंडा हाथ में लेकर, एक उमंग लेकर निकलता है, वो भी उतना महत्वपूर्ण है जितना कि इस देश में माननीय काशीराम जी थे, बाबा साहब थे, बहन जी हैं क्या, बहन हमारी कुमारी मायावती जी या चंद्रशेखर आज़ाद, वो सब मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मैं सबकी इज्जत करती हूँ, सभी के बारे में अच्छा बोलती हूँ और सबको मैं चाहती हूँ कि इस देश में, हम तो ये चाहते थे कि हर घर में अम्बेडकर पैदा हो, लेकिन अगर ये सरकार की नीतियाँ नहीं बदलती हैं तो हर घर में आप देख लेना एक चंद्रशेखर पैदा हो जाएगा, एक काशीराम पैदा हो जाएगा, एक अर्चना गौतम पैदा हो जाएगी। तुम लोगों को ये सोचना चाहिए, कमी निकालनी है तो उन लोगों में निकालो जो सचमुच में ऐसे काम कर रहे हैं, जिनके बारे में हम बोल सकते हैं कि हाँ तुम्हारी ये नीतियाँ हमें अच्छी नहीं लग रही, इससे देश नहीं चलेगा। कमी निकालनी है तो उनमें निकालो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है तो तुम यही काम करने लगो, अपना जो इतना बड़ा विशाल वृक्ष है ये बहुजन समाज का, इसकी जड़ काटने लग जाओ। पहले एजुकेशन प्राप्त करो, बाबा साहब कहते थे कि एजुकेशन प्राप्त करो पहले। एजुकेशन क्या होती है पूछो तो कोई कहता है 5वीं पास है, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, और लेके कैमरे घूम रहे हैं। कैमरे भी कहाँ हैं, वो 5-5, 6-6 हज़ार के मोबाइल लेके घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उन्हें और कोई दिखाई नहीं देता। बस दिखाई देते तो अपने लोगों में कमी दिखाई देती है। कुछ काम करने निकलोगे तो पता लगेगा। बुराई करने के लिए तो हजारों लोग आ जाते हैं, किसी में अगर गिननी है तो अच्छाई गिनकर दिखाइए। जैसे एक बार एक चित्रकार ने बोला था ना, एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई और चौराहे पे टांग दी और कहा कि इसमें कमियां निकालो। सारे दिन उसमें लोग गोले बनाते रहे, यहाँ कमी है, यहाँ कमी है, और उस चित्र का पता ही नहीं लगा कि चित्र क्या था। वो अगले दिन वो एक दूसरा चित्र टांग के जाता है वहाँ पर और कहता है कि इसमें अच्छाइयाँ बताइए। एक आदमी नहीं आया उसमें अच्छाई बताने के लिए। तुम लोगों को भी कमियाँ ही दिखाई देती हैं। अरे जाओ अपने घर में पहले शुरुआत करो, बाहर के लोगों को
उनका मनोबल गिराने से अच्छा है कि अपने घर से शुरुआत करो। घर से शुरुआत करोगे तो पता लगेगा कितना दिल पे जोर पड़ेगा तुम्हारे, जब तुम्हारी बहन बेटी के लिए कोई इस तरह की बातें करेगा। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? आज पहली बार